सिंगरौली में बंदा कोल ब्लॉक पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ने की। बैठक में पुनर्वास समिति के सभी अधिकारी और विस्थापित मौजूद थे। विस्थापितों का कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक विस्थापन प्रक्रिया स्थगित की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अरुण कुमार परमार की अध्यक्षता में बंदा कोल ब्लॉक के पुनर्वास समिति की बैठक हुई, जिसमें बंदा कोल ब्लॉक के भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, बंदा कोल ब्लॉक कंपनी के अधिकारी कर्मचारी सहित विस्थापित नेता दरोगा पाठक, साथ ही बंदा कोल ब्लॉक से विस्थापित हो रहे ग्राम पचौर तेंदुहा बंदा के सरपंच व जिला पंचायत सदस्य बैणन जनपद अध्यक्ष सहित पुनर्वास समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के बाद विस्थापित नेता दरोगा पाठक ने कहा कि जो विस्थापन पॉलिसी है वो जनता के हित में नहीं है, ये सिर्फ कंपनी के लिए बनाई गई है। 45 साल वालों के लिए इनकी पॉलिसी में कुछ नहीं है। हमने अपनी 19 मांगे जिसमें रोजगार बेरोजगारी भत्ता शामिल है कलेक्टर के सामने रख दी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम विस्थापित नहीं होंगे। बंधा कोल ब्लॉक के लिए पुनर्वास समिति की बैठक, पहली प्रथम बैठक, इसमें विधायक जी से लेकर कंपनी प्रबंधन सभी हम सब सरपंचों को बुलाया गया था। हम लोगों ने अपने ग्रामीण जनता को भी साथ में लेकर हम लोग आए थे। जो इनकी विस्थापन पॉलिसी है वो कतई जनहित ऐसी नहीं है, ये सब कंपनी हित में बनाई गई है, जनता के हित का कहीं ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें 45 साल से ऊपर वालों को कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने उन सब इनके पॉलिसियों का विरोध किया है। और इस पॉलिसी के विरोध में हम लोगों ने कहा कि आज की बैठक स्थगित कर दी जाए और फिर इन मुद्दों पर जो हमारे प्रश्न हैं इसका उत्तर निकाला जाए, तब अगली बैठक में हम लोग उसको पास करेंगे या फेल करेंगे इसका निर्णय करेंगे। हम लोग कतई जनप्रतिनिधि, ये हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, ये हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, ये हमारे सरपंच साहब लोग हैं, हम लोग उस इनके प्रस्ताव से कतई सहमत नहीं हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने कहा कि विस्थापन यह प्रक्रिया भू अर्जन की धारा 2013 के तहत की जा रही है। हमने बैठक में दोनों पक्षों के विचारों को सुना है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद इस धारा में जो भी प्रक्रिया है उसी के तहत आगे कार्रवाई होगी। तरह का कोई इशू नहीं, इशू ये है कि जो भूमि अर्जन पुनर्वासन और एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित कर उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 है, उसके प्रावधान के अंतर्गत जो एक कमेटी गठित थी उसकी बैठक थी, उसमें विचार कंपनी के भी प्रतिनिधि थे और हमारे जो उस गाँव के प्रतिनिधि हैं और जो कमेटी के सदस्य, सबने मिलकर उसमें विचारों को सुना है। और इसी जो जो हमने बताया ना कि अधिनियम 2013 है भूमि अर्जन वाला, उसके अंतर्गत आगे कार्रवाई की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।